हाय गाइस, नमस्ते। मैं कई बार कुछ अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आते हैं हम प्रिस्टीन सर्विस सेंटर के माध्यम से। तो आज का एक अलग टॉपिक लेके आया मैं। जनरली हम लोग को थोड़ा सा टेक्निकल बात की जाए तो बहुत सारे लोगों के टीवी का साउंड नहीं आता और उनको ये एग्जैक्ट पता नहीं होता कि उनका साउंड खराब है या और कोई इशू है या फिर बोर्ड में इशू है। तो मैं स्पीकर किस तरह से हम टेक्निकली और विदाउट मल्टीमीटर चेक किए जा सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा सभी लोगों को, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। जनरली टीवी के स्पीकर्स एलईडी एलसीडी के ऐसा कंसील्ड रहते हैं, बॉक्स में रहते हैं या कुछ कुछ मॉडल्स में ओपन सिचुएशन में भी रहते हैं। अगर ये स्पीकर हमें चालू है या बंद है या इसमें कोई खराबी है, अगर ये चेक करना हो तो एक टेक्निकल मेथड बताता हूँ मैं आपको। आप मल्टीमीटर ले सकते हो, ये मल्टीमीटर है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर, और जैसे हमें आप देखते हो कि इसको हम लोग कंटिन्यूटी पे लेते हो, यहाँ पे यहाँ ये वाला कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम। जैसे हम कंटिन्यूटी पे लेंगे और इसको हम लोग अगर मान लीजिएगा कि हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी पे ले लिया उसको, और कंटिन्यूटी पे लेने के बाद हमने स्पीकर के दोनों वायर को दो प्रॉड लगा लिए, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब ऑलमोस्ट इस स्पीकर की जो कॉइल है वो सही है, 99% ये स्पीकर सही है। कभी कभी 1% ये भी होता है कि कंटिन्यूटी आती है बट वो स्पीकर सही नहीं रहता, वो इंटरनल अंदर मैग्नेट को टच होके शॉर्टिंग दिखाता है। बट अगर कंटिन्यूटी आती है तो 99% स्पीकर सही होते हैं। मैं जनरल दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है और आपको स्पीकर देखना है कि स्पीकर सही है या खराब है तो आप कैसे देखेंगे? तो एक छोटी सी सिंपल है, छोटी सी ट्रिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, घाटी तरीका बोल सकते हैं, या फिर अपना जनरल घर में बैठे बैठे किस तरह से हम लोग स्पीकर चेक कर सकते हैं, इसका एक सोल्यूशन देख सकते हैं। आप आपके घड़ी का सेल ले सकते हो या कोई भी बैटरी, डीसी बैटरी ले सकते हो जिसमें मिनिमम 1.5 वोल्ट हो। अभी जनरल आप घड़ी में जो सेल यूज होता है वो 1.5 मतलब 1.5 वोल्ट का रहता है। अगर आप कोई भी सेल लेंगे और स्पीकर को आप यहाँ पे लगाएंगे, कोई भी प्लस को लगाए या माइनस को लगाए, कोई 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 दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। तो जैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे आवाज सुन पाएंगे, तो हल्का सा नॉइस आपको स्पीकर में से आएगा। तो इस अगर ये स्पीकर में से नॉइस आ रहा तो 99% आपका स्पीकर एब्सोल्युटली सही है। तो मतलब आप घर में बैठे बैठे कोई भी, दुनिया भर का कोई भी जिसको हम लोग साउंड कहते हैं, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे टीवी का हो, चाहे प्रोजेक्टर का हो, या कोई अलग आपके खिलौने का हो, वो सारे स्पीकर सारे साउंड आप एक 10 रुपए के बैटरी से, 10 रुपए के सेल से, जो कि आपकी घर में बहुत सारी चीजों में पड़ी रहती है, उससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका साउंड, आपका ये वाला साउंड जो आपके खिलौने में या टीवी में प्रोजेक्टर में लगा है वो वर्किंग है या नॉट वर्किंग।